बाद इनेबल करने के बाद ये आपको यहाँ पर व्यू स्लाइड शो साइकिल और ये व्यू स्लाइड शो आपको इनेबल करना है, ठीक है। उसके बाद आप जब इनेबल कर लेंगे तो आपको इस लिस्ट में ये आपको मिलेगा स्लाइड शो, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू एडिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ठीक है, अभी हमारे नीचे पे हमें कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। अभी अभी हमको यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि हमने ऐड कर रखी है, ठीक है। हमें चाहिए इमेज, बॉडी दोनों हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। हमें लेबल नहीं चाहिए, ठीक है। इमेज का भी लेबल नहीं चाहिए और यहाँ पर हम यही रखते हैं, अप्लाई करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमें करना है वो हमारा सबसे पहले कि हमने अपने जो कंटेंट टाइप में जो अपने कंटेंट को अनपब्लिश कर रखा है तो हमें यहाँ पर अनपब्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर नो कर लेंगे तो हमारे पास जो नीचे हमने ऐड कर रखा है वो हमारा आ गया, ठीक है। और देखिए स्लाइड शो भी काम कर रहा है, ठीक। दोस्तों इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर सेटिंग में, स्लाइड्स के बगल में सेटिंग में। यहाँ पर आपको जो काम करना है वो यहाँ पर करना है कि यहाँ पर अगर आपके एरर आ रही है तो इसका मतलब जो हमने लाइब्रेरी के फोल्डर में जो जेएस की फ़ाइल रखी है वो सही जगह, मतलब वो सही नहीं है। तो मतलब वो आपने अगर नहीं भी रखी होगी तो यहाँ पर एरर शो करेगा, ठीक है। अगर एरर नहीं आ रही होगी तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा स्लाइड शो और उसके बाद स्लाइड शो टाइप, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे आपको यहाँ मिलेगा इफ़ेक्ट, जो कि यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करोगे तो नंबर ऑफ इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखेंगे ढेर सारे, ठीक है। तो आपको जो यूज़ करना हम लोग फेड लेके ही चलते हैं। उसके नीचे यहाँ पर एक्शन है, एक्शन में देखिए यहाँ पर पज ऑन होवर, होवर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो पज कर देगा, ठीक है। प्ले ऑन होवर, अगर होवर चाहे प्ले कर देगा। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी है जो आपको यहाँ पर चूज़ करनी है आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नीचे हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा है पेजर, ठीक है। यहाँ पर हमने पेजर पर क्लिक किया, पेजर से दोस्तों, ठीक है, पेजर से करने से पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा वो कि जब हम यहाँ पर हमें एक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी जहाँ पर हम एक काउंटर चलाएंगे, ठीक है। तो वो फील्ड होगी हमारी ग्लोबल व्यू रिजल्ट काउंटर, ठीक है। इसको हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। हमें लेबल नहीं चाहिए, लेबल हम हटा देंगे, ठीक है। अप्लाई, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए वन आ गया, ठीक है। अभी ये काम कैसे करेगा हम देखते हैं, सेटिंग में चलते हैं और जो नीचे हमें सेलेक्ट करना था पेजर, तो हम यहाँ टॉप विजिट में पेजर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको बॉटम में पेजर लगाना है तो आप बॉटम में भी कर सकते हैं, तो आपको बॉटम विजिट यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। हम लोग टॉप लेके चलते हैं, टॉप में हम लोग पेजर टाइप सेलेक्ट करेंगे ग्लोबल व्यू रिजल्ट, ठीक है। और इसको अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंट मिलता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा पेजर टाइप का ये देखिए ये आ गया। आप जब क्लिक करेंगे इस पर तो ये इमेज आपका चेंज करेगा, ठीक है। तो ये हमें चाहिए था अपने
इस वाले सेक्शन के लिए जो हमारे डॉट आ रहे हैं, हम लोग सी एस एस से भी इसको रिप्लेस करके इसमें कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो एरो यूज़ किया है, अब इसका देख लेते हैं ये कैसे आएगा। तो आपको इसके लिए आपको सेटिंग पे जाना पड़ेगा और नीचे आपको कंट्रोल्स का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ एक कंट्रोल का ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको चेक कर देना है बस। उसके बाद आपको सेव कर देना है। ठीक है, और इसको आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पर ब्लॉक बनाया था, तो हमारा ब्लॉक क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। और ब्लॉक को हमें अपने जहाँ वेबसाइट पे हमें शो करना है वहाँ हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। और ठीक है, यहाँ पर ये आने लगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन करके और इसको अपने वेबसाइट में पेस्ट करेंगे जहाँ हमें हमने दिखाना है, जैसे कि इस तरीके के बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।